नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गार्डनिंग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फूल के पौधे के बारे में चर्चा करेंगे और इस फूल का नाम हो गया डेंथस। दोस्तों, ये फूल ठंडे के दिनों में अच्छे से खिलती हैं। ये फूल इतने खूबसूरत होने के बावजूद इसको उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इस पौधे को अच्छे से ग्रो कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, इस पौधे को कम से कम पानी चाहिए, और इसीलिए इस पौधे के लिए जो गमले में आप मिट्टी यूज़ करेंगे उसमें अच्छे से वाटर ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पानी का जमा होना इस पौधे को नुकसान पहुँचा सकती है। इस पौधे को गमले में बिठाने के लिए 6 से 8 इंच साइज के गमले काफी होंगे। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि इस पौधे के लिए सॉइल मिक्सचर यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले गमले का कैपेसिटी का एक भाग मतलब 25% मिट्टी ले लें। अब इसमें 3 भाग मतलब 75% गोबर का खाद मिला दें। अब इसमें बोन मिल 50 ग्राम, हॉर्न मिल 100 ग्राम, फ्यूरोडन आधी चम्मच और सुपर फॉस्फेट 1 चम्मच मिला दें। अच्छे नतीजे पाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा बालू इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके गमले में लेके उसमें इस पौधे को लगा सकते हैं। इसमें बालू मिक्स करने के पीछे ये कारण है कि इसमें बालू मिक्स करने से वाटर ड्रेनिंग अच्छी होगी, और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। गमले में पानी जमा होने से इस पौधे को नुकसान हो सकती है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इस पौधे की खाने के बारे में। दोस्तों, इस पौधे को गमले में लेने के बाद 10 दिन तक कोई खाना ना दें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी ही दें, और 10 दिन के बाद 12:61:00 फर्टिलाइजर 1 ग्राम पर प्लांट दें। और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, ये फर्टिलाइजर 1 ग्राम से बढ़ाकर 2 ग्राम तक कर सकते हैं, और ये फर्टिलाइजर हफ्ते में एक बार जरूर दें। और इस पौधे का दूसरा खाना हो गया, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सरसों की खली और 0.5 ग्राम DAP मिक्स करके 3 दिन तक छोड़ दें, और चौथा दिन में इस मिश्रण को पौधे को फीड कराएं, और इस खाने को हफ्ते में एक बार जरूर दें। दोस्तों, इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको भरपूर धूप चाहिए, लेकिन फूल लेने के लिए इसको छाया में रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हफ्ते में एक बार सुपर सोनाटा स्प्रे करना होगा। इसके लिए आपको 1 मिलीलीटर सुपर सोनाटा 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे करना होगा। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए शुरू शुरू में आने वाले बड्स यानी कि कली को हटा दें, क्योंकि अगर पौधे में फूल आना शुरू हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि अपने पौधे को फंगस से कैसे बचाएं। दोस्तों, इस पौधे को फंगस से बचाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच सेफ फंगिसाइड को मिलाकर एक घोल बनाएं और इसको मिट्टी के ऊपर डाल दें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि इस पौधे को कौन कौन सी इंसेक्ट यानी कि कीड़े से खतरा है और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, इस पौधे को 2 तरह के इंसेक्ट यानी कि कीड़े से खतरा है, और वो दोनों हो गया थ्रिप्स और रेडमाइट्स। अपने पौधे को थ्रिप्स से बचाने के लिए 2 ग्राम एडमायर 6 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें, या फिर 1 मिलीलीटर कॉन्फिडर 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और रेडमाइट से छुटकारा पाने के लिए 1 मिलीलीटर काका 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे करना होगा, या फिर 1.5 मिलीलीटर थीटा 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे करना होगा। दोस्तों, इन सब तरीकों को अपनाकर हम अपने बगीचे में बेहतरीन क्वालिटी के सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि इन तरीकों को अपनाने से आपको भी अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सही में हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दूसरे दोस्तों को भी मिल सके। और इसी तरह के गार्डनिंग और बागवानी से संबंधित और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक करें। इससे जब कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अंत में अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।